अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इतने गुस्से में क्या बना रही हो? बचपन, पार्वती का और मेरा बचपन। पार्वती बहुत खुद्दार लड़की है, किसी की बेइज्जती कभी सहन नहीं करती, पर मुझे ये नहीं समझ आता कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो घर में रुकी कैसे? रुकना पड़ा। हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया, हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने, हमारे बच्चों को मार दिया, हमारे प्यार को हमसे अलग कर दिया। पिछले जन्म में तुमने हमारे देव को हमसे छीन लिया था, याद है? पिछला जन्म क्या, मैं इस जन्म में भी तुमसे शिवाय को छीनूंगी। शिवाय इस जन्म में भी मेरा ही होगा। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं डाकिनी। पहले इस बुलबुले से तो बाहर आ जाओ, अब धीरे धीरे तुम्हारा दम घुटने लगेगा और फिर तुम मरोगी। दामिनी, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ तुम्हें? मुझे यहाँ रुकना पड़ा, यहाँ इस घर में बहुत अजीब सी चीजें होती हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। दामिनी, तुझे तेजस से शादी करके यहाँ नहीं आना चाहिए था, यहाँ बहुत डेंजर है। सुनना, मेरी बात मान, तू घर चली जा वापस बाबा के पास, चली जा यहाँ से। क्यों? क्योंकि तुझे डर है कि कहीं मैं तुझसे शिवाय को न छीन लूं, इसलिए मुझे जाने को कह रही है इस घर से। नहीं, तू शादीशुदा है, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं करेगी, मैं जानती हूँ। बेस्ट फ्रेंड्स है ना हम? बेस्ट फ्रेंड्स नहीं हूं तेरी।
दुश्मन हूं तेरे, और तुझसे तो मैं शिवाय को छीन कर रहूंगी। दामिनी, कैसी बातें कर रही है? तेरी शादी हुई है तेजस से। अगर मैं तेरी शादी नहीं मानती तो अपनी शादी कहां से मानूंगी? खाक की शादी। तब दामिनी, पार्वती एक सच्ची और अच्छी दोस्त है, तभी इतना कुछ होने के बाद भी वो दामिनी को बचाना चाहती है। लेकिन उसको ये बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि दामिनी उसकी बेस्ट फ्रेंड नहीं बल्कि पिछले जन्म की जानी दुश्मन है। क्या हो गया है तुझे दामिनी? तुझे कैसे समझाऊं मैं? हे गणपति बप्पा, अब आप आ रहे हैं ना, आप ही को सब कुछ ठीक करना होगा। अच्छा, हम क्या कह रहे हैं कि इस बार की गणपति पूजा दोनों नई बहुएं करेंगी, हैं? बहुएं? पर जीजी भी तो है, ये पूजा कैसे करेंगी? ठीक है ना? अम्मा, वो पार्वती घर की बड़ी बहू है ना, तो पार्वती और शिवाय को ही पूजा करनी दीजिए। हाँ, और वैसे भी गणपति जी के माता पिता तो शिव और पार्वती थे ना। बात तो सही है। अच्छा तो ठीक है, शिवाय पार्वती चलो बेटा। गणपति बप्पा तो आप हमेशा से थे, और अब तो कुछ दिनों के लिए हमारे साथ इसी घर में रहेंगे। पापा प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आखिर मैं एक नागिन कैसे हो सकती हूँ? क्या मैं रचिका हूँ? क्या मैं नागिन हूँ? क्या हूँ? क्या है मेरी सच्चाई? कौन हूँ मैं पापा? देखिए इश्क की दास्तान नागमणि सोमवार से शनिवार रात 10 बजे दंगल प्ले ऐप पर।